Good morning, student. We are continuing our chapter that is poverty as a challenge. Today we are going to read about two cases. First one is urban case and second one is rural case. In Hindi, शहर का एक किस्सा और गांव का एक किस्सा. आज हम दोनों stories पढ़ेंगे. दोनों की दोनों ही stories के जो lead role में हैं उनके बारे में जानेंगे कि इन दोनों cases से हमें क्या समझना चाहिए और ये chapter हमें आगे कहाँ ले जाना चाहता है. Is it clear? सबसे पहले बात करते हैं urban case की. तो urban case में एक आदमी है जिसका नाम है राम सारंग. क्या नाम है? राम सारंग. ये wheat flour mill में काम करते हैं. क्या काम करते हैं? Wheat flour mill यानी गेहूं को पिस के जो आटा बनता है उसे फ्लोर कहते हैं. तो मतलब जहां पर आटा बनाया जाता है उस मिल के अंदर ये काम करते हैं. इनको एक बहुत ही मीगर सा अमाउंट मिलता है वहां काम करने का. मीगर सा मतलब बहुत ही छोटा सा अमाउंट मिलता है, 1500 रुपए. घर में 6 मेंबर है. कितने? 6, जिसमें से 4 तो कौन है? बच्चे ही है, ठीक है, और बाकी जो है वो बड़े हैं. अब इस 1500 रुपए में 6 जनों का घर चलाना प्लस राम सरन को कुछ रुपए अपने घर पे भी भेजने होते हैं अपने माता पिता के पास, ठीक है. तो इस सबसे इन सब लोगों का घर चलाना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते होंगे. 1500 रुपए में कोई इंसान 6 जने घर में है, उसके सिवा आपके पेरेंट्स को उसे रुपए भेजने हैं, दूसरे और बाकी काम चलाने हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अब कहने को तो ये एम्प्लॉयड है, कहने को तो क्या है, ये एम्प्लॉयड ही है, लेकिन जो इनकी सैलरी है वो इतनी मीगर सी है, इनके वेजेस जो है वो इतने कम है कि मतलब इनके लिए ड्रीम हो गया है जूते पहनना. मतलब शूज होना ही बहुत बड़ा बड़ी बात है इनके लिए, ठीक है. इनकी जो वाइफ है वो भी मेड का काम करती है दूसरों के घर में जाके, ठीक है. तो मतलब राम सारंग जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत ही कम रुपया मिल रहा है. काम करने के बावजूद भी जो उनकी जिंदगी है वो कैसी है? पुअर जैसी है, पॉवर्टी में है, गरीबी में है, ठीक है. मतलब ये वाला केस जो है आप देख रहे हैं, हम दोनों ही केसेस क्यों पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि पॉवर्टी किससे बोलेंगे, ये पॉवर्टी कैसे हो सकती है. देखो पुअर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि फटे पुराने से कपड़े पहने हुए होंगे, कुछ कमाता धमाता नहीं होगा, बैठा रहता होगा, ठीक है. लेकिन ऐसे पुअर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते भी हैं, कर भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको जो वेजेस है वो बहुत कम मिल रही है. ऐसी मिल रही है कि वो अपनी बेसिक जो नीड्स है उसको भी कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? पुअर ही कह रहे हैं. तो अर्बन केस में भले वो लोग शहर में रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि भाई शहर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है काम करने की और होती भी है, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके ये कहाँ रह रहे हैं, मतलब अर्बन एरिया में तो है लेकिन फिर भी सिटी में भी आउटर एरिया में आउटस्कर्ट्स के अंदर ये रह रहे हैं. इनका मकान कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है. ये जैसे तैसे मतलब करके वहां पर जी रहे हैं, ठीक है. इनका रोज का सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा है, दोनों टाइम का खाना आ जाता है, लेकिन जूते या कपड़े मतलब कपड़े भी जो 4 पाइप है वो एक दूसरे के यूज आए थे कपड़े पहनते, जैसे जो बड़े भाई ने पहन लिया और फिर उसके बाद छोटा भाई पहन रहा है, फिर उसका छोटा भाई पहन रहा है, फिर उसका छोटा भाई पहन रहा है. कहने का मतलब कपड़े भी साल भर में कभी, 2 साल में कभी एक बार नए आ जाते हैं, वो भी सबसे बड़े वाले बच्चे के, बाकी छोटे वाले बच्चे सारे बड़े भाई बहनों के कपड़े पहनते रहते हैं. ये इस टाइप से काम नहीं चल रही है, ठीक है. सेकेंड केस की बात करते हैं, रूरल केस की, रूरल एरिया के केस की. तो यहाँ पर है लाला सिंह. कौन है? लाला सिंह. ये डेली वेज वर्कर है, यानी रोज रोज काम होता है, रोज रोज काम करके रोज रोज वहां से पैसा लाता है. अब सोचो किसी दिन कहीं काम ही ना मिले तो उस दिन इसे भूखा सोना पड़े. इट मीन जिसे तो 2 वक्त की रोटी भी जो है वो प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी आज वो भी इसे पता नहीं होता. लेकिन गाँव में एक चीज बहुत अच्छी होती है क्योंकि गाँव में काम करने जहाँ जाते हैं या तो वो खेत होता है या ऐसा ही कोई मतलब काम होता है, डोमेस्टिक वर्क होता है, कि वहां पे लोग मनी नहीं तो काइंड में चीजें दे देते हैं. काइंड क्या होता है वो समझिए. देखिए काइंड क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई भी फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो उसका कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं? इनको दे दिया जाता है, लाखा सिंह को. जैसे तुमने हमारे यहाँ पर काम किया, हमने पैसे नहीं दे करके आपको क्या दे दिया? गेहूं
कुछ मिल जाता है, तो इस तरीके से खाने का काम हो जाता है। और इनकी वाइफ क्या करती है, वो जंगल में जाके सारी लकड़ियां चुन के ले आती है चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए, ठीक है। तो वो सारे काम इनकी वाइफ देख लेती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे हट के अंदर रहते हैं, झोपड़ी के अंदर रहते हैं। इनके जो फादर है वो एक बीमारी से क्या हो गए थे, मर गए हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था उनके इलाज के लिए, इसीलिए वो क्या हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। फादर पास हो गए मतलब डेथ हो जाना, ठीक है। काइंड ऑफ मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि पैसों में पेमेंट नहीं करके वस्तु में पेमेंट करना, थिंग्स में पेमेंट करना। जैसे मान लो कि आज लाखों सिंह ने किसी के खेत के अंदर काम किया है पूरा दिन, ठीक है, तो उस खेत का जो ओनर है वो क्या करेगा, पैसे नहीं दे करके और उसने जो भी फसल उसके खेत में उगी है या जो भी उसके पास खाने का पड़ा है सामान, वो क्या मतलब सामान मतलब क्रॉप है ना, वो क्या करेगा, लाखों सिंह को दे देगा एज अ पेमेंट। समझ में आया किस तरीके से। और वैसे भी जैसे कहीं हम काम करने जाते हैं, आपके घर पर भी मेड जाती होंगी, कई बार आप ऐसे भी नॉर्मली पेमेंट के साथ मतलब पैसा तो देंगे ही, आप उसका जो काम किया है उसमें उसके बदले में जो भी उसके वेज बनता है वो आप देंगे। उसके सिवा भी हम क्या करते हैं, कई बार होता है ना कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम उनको दे देते हैं, जैसे खाने का कपड़े वगैरह है ना, तो वैसे ही इनका काम चल रहा है, ठीक है। अब इनकी जो मदर है उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी टीवी की प्रॉब्लम है और उनका भी जल्द ही मतलब अगर इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और लाखों सिंह के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा सके अच्छा से अच्छा, ठीक है। और इनके लिए तो तेल साबुन जैसे चीज भी क्या है, लग्जरियस फूड है, मतलब कभी कभी नसीब होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं भी होती है, ऐसा है। मतलब इनके तो ऑयल सोप वगैरह भी देखने को नहीं है। और ये भी काम कर रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर, लेकिन कहने को तो ये अर्बन एरिया में है, शहर में है, लेकिन फिर भी अर्बन एरिया में भी आउटस्कर्ट्स के अंदर है, यानी आउटर साइड में है, स्लम एरिया जिसे कहते हैं वहां पर है। इनका कोई पक्का मकान नहीं है, बहुत सुंदर सा कोई घर नहीं है, ये भी ऐसे ही रह रहे हैं कि ठीक है चल रही है गाड़ी उस टाइप से। समझ में आ रहा है, तो आपको दोनों केसेस समझ में आ गए, अर्बन और रूरल दोनों जगह पुअर्स हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दोनों केसेस से कि क्या पॉइंट्स है कि ये गरीब है, मतलब क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है, इन दोनों स्टोरीज से हम पढ़ते हैं जो आपके बुक में गिवन है। फर्स्ट आपको गिवन है लैंडलेसनेस, सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण आता है कि इनके पास खुद की जमीन नहीं है, सबसे पहला कारण है लैंडलेसनेस। क्या है कि इनके पास क्या नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, ठीक है, ये कहीं और काम करने इनको जाना पड़ता है। अगर यही खुद की जमीन होती, खुद उगाते, खुद बेचते, खुद को प्रॉफिट होता तो मे बी अपनी पॉवर्टी से बाहर आ जाता, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके बुक में गिवन है। देखिए इससे पहले आपको लाइन दिया हुआ है कि स्टडी द अबाउट केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू द पॉवर्टी। जो दोनों ऊपर आपको केसेस बताए हैं उन्हें पढ़िए और क्या क्या इश्यूज रहे पॉवर्टी से रिलेटेड उनको जानिए और उनको समझिए, ठीक है। तो पहला कारण पता चल रहा है कि लैंडलेसनेस पहला कारण बनता है इनकी पॉवर्टी का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे कि मैडम इच्छा रखता है काम करने की और एक इंसान एलिजिबल भी है काम करने की।
अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उसको वो काम नहीं मिला जिसके लिए वो लायक था या जिसकी वो इच्छा रखता था, उतना उसको वो वैसा काम नहीं मिला, ना वैसी पेमेंट मिली ऑब्वियसली। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इधर देखते हैं ना कि राम साधन कमा तो रहा है पर वो मतलब उसके फैमिली के लिए मीटर सही अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ फैमिली। अब देखिए यहाँ पे चार चार बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी फैमिली है ना, ऐसे चाचा भी है, मतलब राधा सिंह का भाई भी है, वाइफ भी है, बच्चे भी है, पिताजी ऐसा हो गए, माता जी हैं। ठीक है, तो देखिए अगर एक तो बच्चा एक ही हो या दो ही हो तो उसको पढ़ाई भी सही, उसके खर्चा भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं उसके लिए रुपए। लेकिन जहाँ पे चार चार पांच पांच बच्चे हो वहां पर किस बच्चे को तो पढ़ाए, किसका ध्यान रखना है, किसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, बैठता नहीं है पूरा। ठीक है, तो फैमिली भी एक क्या है, रीजन है। ठीक है, कि फैमिली कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने क्या चलाई थी, फैमिली प्लानिंग स्कीम चलाई थी, हम दो हमारे दो भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से पाल पोस पाएंगे, वरना अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास तो इनकम ही नहीं है कि आप अपने इतने सारे बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके। ठीक है, फिर वही होगा कि मेडिकेशन भी नहीं दे पाएंगे और एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे, है ना। उसके बाद साइज ऑफ फैमिली भी एक मैटर है। ठीक है, फैमिली साइज कुछ भी दे सकते हैं आप, यही बात है। उसके बाद क्या कारण बता रहे हैं, कारण बता रहा है इलिटरेसी, ये तो है ही कारण, मैंने बोला ना आपको, अगर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे खुद की पढ़ाई में या खुद को अच्छा करने के लिए, नरिश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, खुद के मतलब विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के लिए नहीं करेंगे, तो आगे चलकर क्या होगा, आपको ही लॉस होगा। ठीक है, इलिटरेसी तो एक कारण ही है ही है, मतलब है साक्षरता। पढ़ा लिखा ना होना भी एक कारण है इन दोनों केसेस के अंदर, जो कि पॉवर्टी का कारण बन रहा है। मैलन्यूट्रिशन या पुअर हेल्थ एक ही बात है, यानी पुअर हेल्थ। ठीक है, देखा अभी आपने इस केस के अंदर देखा था, इनके पिताजी को भी बीमारी थी, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था तो क्या नहीं कर पाए, इनका इलाज नहीं कर पाए, तो तबियत खराब कैसे होती है जब आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब जब पैसा ही नहीं है तो खाने की न्यूट्रिशनल चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे पूरी प्रॉपर डाइट मिल पाएगी, जब डाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगी, बीमारी होगी, तो ये भी एक कारण है। गर्मी का चाइल्ड लेबर, अब क्योंकि इनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में कमाने वाला अगर एक इंसान ही है, दो ही इंसान ही है, और फैमिली इतनी बड़ी है, सात आठ लोगों की फैमिली है, तो उसको चलाने के लिए सबको ही काम करना जरूरी हो जाएगा। इधर भी देखो इनकी वाइफ काम कर रही है, अब जब वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, जो तो फिर जो बच्चे हैं वो किसके भरोसे रहेंगे। ठीक है, और क्या होता है ना, फिर जब इतनी बड़ी फैमिली होती है और कमाने वाले एक आध दो जन ही हो और उनकी भी सैलरी कम हो, तो बच्चों को भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और वो कहलाता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर, बच्चे को भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस। यस, हेल्पलेसनेस मतलब इसमें कोई मदद भी नहीं कर सकता कोई किसी की। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई और काम उनसे होगा नहीं। ठीक है, और जो काम उनसे होगा उसके वेजेस नहीं मिलेंगे, तो कहने का मतलब उनके उनके लिए सहायक है हम लोग। ठीक है, मतलब हेल्पलेसनेस खुद के लिए वो हेल्पलेस है कि खुद की खुद ही मदद नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक कारण है किसका, गरीबी का। तो मतलब हमने ये देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने हैं पॉवर्टी पर, कि क्या क्या कारण बन सकते हैं पॉवर्टी के, लिए ये कारण बन सकते हैं। ठीक है, खुद की सहायता नहीं कर पाना, खुद के पास जमीन नहीं हो पाना, खुद के पास काम नहीं हो पाना, फैमिली साइज का बड़ा होना, खुद का असक्षर होना। ठीक है, ये सारे कारण नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।